हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर, एक कदम सफलता की ओर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित टॉपिक कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं या कोई नई अपडेट आए आप आसानी से हमसे जुड़ सकें और उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं आपके साथ। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति पद का चुनाव। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये वाला टॉपिक कौन कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको टॉपिक बताए थे कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको थोड़ी बहुत रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके पास सांसद और विधायक जो है 50-50 सांसद और विधायकों का क्या समर्थन होना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है जो आम भीड़ को या फिर आम जनता को राष्ट्रपति पद बनने से रोकती है, कि ये चीज सबके पास नहीं होती है। तो अब आकर मैं इस बात को कहती हूँ आपसे कौन कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, तो आपको ये चीजें आसानी से याद होनी चाहिए। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अब बात आती है कि भारत का कोई भी नागरिक कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल लड़ सकता है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात आती है कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है, ये चीजें भी जान लेना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको फिर एक ओवरव्यू दूंगी, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन नहीं करता है। बात करूं इस प्रक्रिया में केवल निर्वाचित जो होते हैं राज्यसभा सांसद और लोकसभा के सांसद और विधायक ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि विधान परिषद और विधान पार्षद इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैंने पहले आप एक बार और भी मैं ये टॉपिक करा चुकी हूँ, तो विधान परिषद और विधान पार्षद इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 6 ऐसे राज्य हैं या फिर 7 ऐसे राज्य हैं, इससे कितने राज्य हैं, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें आपको यहां तक समझ में आया कि जो विधान परिषद है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी। इवन ये भी है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद का अगर सदस्य है तो वो भी नहीं दे सकता है इस निर्वाचन में मतदान, वो भी अपना मतदान नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना कि एक एक लाइन में भी ना पूछ के स्टेटमेंट वाइज में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगर किसी राज्य में जो विधानसभा है अगर वो भंग भी हो जाती है, तब भी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव नियत समय सीमा पर ही होगा, ऐसा नहीं कि चुनाव रुकेगा। इस चुनाव की प्रक्रिया अलग इसलिए भी है क्योंकि यह चुनाव वोटों से नहीं, ये चुनाव वैल्यू से जीता जाता है। वोट की वैल्यू होती है उससे जीता जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वोट की वैल्यू क्या होती है, अभी आगे आएगा वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक वोट की वैल्यू किसके वोट की वैल्यू होती है और क्या वैल्यू वो होती है। जनरली क्या होता है कि अगर साधारण चुनाव की बात करें, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि सीधे से जिसके वोट ज्यादा मिले होते हैं वो जीत जाता है और दूसरा जो प्रत्याशी होता है वो हार जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चुनाव वैल्यू से जीता जाता है। इस चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। यह चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय तरीके से की जाती है। अगर किसी दल को ये बात पता भी चल जाती है कि उसकी जो पार्टी का सदस्य है उसने किसी या उसकी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति खड़ा किया था उसके अनुसार अगर वो नहीं उसमें वोट देता है तो उसके लिए वो बेहब भी जारी नहीं कर सकता है। बेहब के बारे में अगर जानना है तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है वीडियो में, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो इस चुनाव में उम्मीदवार को सांसद और विधायक के कुल वोटों का जो मूल्य होता है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करना होता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। अब अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया,
अब यहाँ पर थोड़ा फैक्ट के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55, किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता चुनती है। ऐसा नहीं कि देश की जनता नहीं चुनती है, पर देश की जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। मैंने पहले बताया अभी आपको कि विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी खुद की विधानसभाएं हैं। इस वोटिंग प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसलिए वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो वो हिस्सा नहीं ले सकते। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है। अभी आपको बताएंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संपन्न हो जाता है। इस टर्म को भी मैं आपको समझाऊंगी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आखिर क्या है। तो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले जो सदस्य होते हैं, वो वरीयता क्रम में अपना वोट डालते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, और कोई सी व्यक्ति है, और कोई डी व्यक्ति है। चार व्यक्ति हैं, उन चार व्यक्तियों में अगर किसी को अपना वोट डालना है, तो वरीयता क्रम में डालेगा और बोलेगा कि पहली इच्छा मेरी ये है कि प्रथम स्थान पर कौन रहे, द्वितीय स्थान पर कौन रहे, और तृतीय स्थान पर कौन रहे। ये व्यक्ति जो निर्वाचित होते हैं, उनकी अपनी एक वरीयता क्रम होता है, और उम्मीदवारों की वरीयता सूची में अपना चयन कर लेते हैं। लेकिन अगर ये चयन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, दूसरे चरण में उम्मीदवार जो होगा, उसके हिस्से के वोटरों को दूसरी पसंद को देकर एकल वोट के रूप से उपयोग किया जाता है। अब ये तो लिखी लैंग्वेज हो गई, मैं आपको समझाती हूँ। चार लोग थे, चार लोगों में से पहली बार सपोज करिए मैं हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि ए बी सी डी चार वरीयता क्रम में है। तो मेरा वरीयता क्रम ये था कि पहला व्यक्ति जो है वो इस वोट को डाले, दूसरे ने डाला कि बी, मैं चाहता हूँ कि बी बने, तीसरे ने डाला कि मैं चाहता हूँ सी बने, और चौथे ने डाला कि मैं चाहता हूँ डी बने। लेकिन यही प्रक्रिया चली, और सबसे लास्ट में जिससे सबसे कम वोट मिलेंगे उसको उस प्रक्रिया से जो हिस्सा है चुनावी, उससे हटना पड़ता है, और उसके जो वोट होते हैं वो तीनों उम्मीदवारों में समानुपातिक तरीके से बांट दिए जाते हैं। तो बचे हुए उन तीनों में फिर ऐसे ही होता है, फिर सेम प्रक्रिया चलेगी, फिर लास्ट वाले को सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा, और उसके बचे हुए हिस्से के जो वोट होंगे वो उन दोनों में मिल जाएंगे। अब उन दोनों के बाद अगर फिर से नहीं कोई आधे से अधिक कोटा प्राप्त करता है, तो फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो आदमी हटता है, जो प्रतिनिधि होता है, जो हटता है उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्रत्याशियों को। तो ये बात मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट मत करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी से। अब राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बात करी वेटेज का प्रयोग होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो जनता चुनती नहीं है, ये तो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इस प्रक्रिया में सांसद और विधायक के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। विधायक के वेटेज का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या और विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के ऊपर आधारित होता है। सपोज करिए मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, तो वोट वैल्यू जो होगी वो अलग अलग तरीके से होगी। अब देखिए, एक विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या, अभी सब एग्जाम्पल में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, इसका जो जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 1/1000 से। तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एक विधायक के मत का मूल्य हो जाएगा। अब एक सांसद के विधायक के मतों का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, जितने राज्य हैं सभी राज्य के विधायकों का कुल मूल्य, ये तो मैंने आपको बताया एक विधायक का। अब मैं बात कर रही हूँ कि सांसद के सभी जितने भी हैं सभी राज्यों के विधायकों के कुल मूल्य, और अपॉन में क्या होगा, बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो मतों का निश्चित भाग वो कैसे प्राप्त करता है, सपोज करिए कुल वैध मत पड़े
2000 फॉर एग्जाम्पल, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2, और इन सब में क्या जोड़ दिया जाएगा, एक और जोड़ दिया जाएगा, वही व्यक्ति क्या होगा, उम्मीदवार जो होगा वो विजेता घोषित हो जाएगा। तो ये चीज आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो राज्यों के अनुसार विधायकों के वोट की वैल्यू होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक विधायक के पास सबसे ज्यादा 208 वोट होते हैं और यहाँ पर 403 सीटें हैं। इस प्रकार कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 403 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात करें, 1971 की जो जनसंख्या है उसी के अकॉर्डिंग वोटों की वैल्यू होती है। तो जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो ये है 8389775। एक विधायक के वोट की जो वैल्यू होगी, अब वो कैसे निकाली जाएगी, एक विधायक की वोट की वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो कुल जनसंख्या हो गई और नंबर ऑफ सीट्स हो गई, जितने से ये निकलेंगी उनको क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया जाएगा। तो वोट की वैल्यू कितनी आ गई, आपके वैल्यू आ गई 208। तो एक उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी आई, 208 आ गई। ठीक है ना, इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जाती है और आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। अब आप किसी भी राज्य के जनसंख्या, किसी भी राज्य के जो विधायकों की वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम कहाँ की अगर बात करूं, सिक्किम की है, तो वहां की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। बाकी राज्यों की भी आप निकाल के एक बार देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब अगर बात करी जाए कि विधायक के कुल वोट की वैल्यू कितनी आई, 5,49,495। कुल सांसद अब निकालते हैं, कुल सांसद तो कितने हैं, 443 और प्लस 233, 443 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा, इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 776। अब एक सांसद के वोट की वैल्यू आपको देखनी है तो एक सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुल विधायकों के वोट की वैल्यू तो क्या आई थी, ये आई थी, यही यहाँ पर रख दी गई और डिवाइड किससे कर दिया गया, 776 से कुल सांसद। अब इससे निकाल लिया, आपने निकाला यहाँ पर एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 708। तो कुल सांसद के वोट की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करा देंगे 708 को 776 से, इसके बाद कितना निकल आएगा, आप कुल सांसदों के वोट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5,49,408। कुल वोट क्या कैसे निकलते हैं, सांसद के वोट की वैल्यू और प्लस विधायक के वोट की वैल्यू, इससे कुल आपके वोट की संख्या निकल आएगी। और मतों की अगर इस तरीके से गणना की जाएगी और उसमें जब लास्ट में क्या होगा, एक उसमें जोड़ दिया जाता है इनकी वैल्यू के बाद भी 1+1/2 करके और प्लस इसमें 1 कर दिया जाता है क्योंकि आधे से अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो जो चीजें जरूरत थी, किस तरीके से गणना होती है, इस सभी को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। राष्ट्रपति पद अभी आपको बताइए, हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 29 जून को लास्ट डेट थी नामांकन भरने के लिए, तो ये सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं और 21 जुलाई को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद 25 तारीख को नए निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे और ये 25 जुलाई इसलिए तारीख फेमस है, नीलम संजीव रेड्डी जी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे, उनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं था। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे और किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के काम, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, एक एक करके सभी वीडियो आपके सामने लाऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।